अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज बड़ा दिन है इसलिए कि आज जो है ना, हम अपने प्ले बटन की ओपनिंग कर रहे हैं, सिल्वर प्ले बटन की, जो कि 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे मिलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, अब तो मेरे 3,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये तो 1,00,000 पे मिलता है, तो इतनी लेट ओपनिंग क्यों हो रही है? इधर मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये पड़ा हुआ है ना प्ले बटन, ये नज़र आ रहा है, तो ये अब क्यों ओपन हो रहा है? तो मेरा दिल है कि मैं तसल्ली के साथ बैठूं, इसको ओपन करूं, फिर आपको एक अच्छा सा लेक्चर दूं, फिर जो है ना, इस प्ले बटन को हम उस बंदे के पास लेके जाएंगे जिसने हमें बहुत ज़्यादा गालियां दी थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। है तो वो मेरा दोस्त है, लेकिन हम तुर्की में होते थे, वो मुझे कहता था, यार अली, एक छुट्टी होती है इतवार की और तुम वीडियो बनाने चले जाते हो, हमें टाइम नहीं देते। वो कह रहा था तुम कभी भी यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकते। तो उसके पास भी ये प्ले बटन लेके जाएंगे, तो तसल्ली के साथ बैठते हैं, इसकी ओपनिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं, खुद देखते हैं। हाँ, इसके ऊपर मैंने क्या लिखवाया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या बात है, मैंने ओपनिंग तो कर ली अपनी हल्की सी, लेकिन आपको नहीं दिखाया। मसला ये कि इधर मैं बैठा हूँ, बार बार जो है ना पंप चल रहा है पानी वाला, तो शाह की आवाज़ आ रही है, मेरी वीडियो खराब हो रही है। नहीं, अब बाइक गुजरे है साथ, तो ये जो है ना मैं रूम में लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाके हम लोग इसकी करते हैं ओपनिंग, आपको भी दिखाते हैं। आज जरा थोड़ा सा स्पीड के साथ आ जाना भाई जान, जरा मजा आ जाएगा ओपनिंग हम लोग करते हैं बेहतरीन इधर बैठ के, ताकि हमें कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे ले जी, खैर ये मैं पहले फाड़ चुका हूँ इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे, लेकिन वहां पे वीडियो हमारी खराब हो रही थी भाई जान। आप थोड़ा सा नजदीक कर ले, ताकि हम जो है ना बेहतरीन सी इसकी ओपनिंग करें, आप लोगों को दिखाएं। और थोड़ा सा नजदीक कर लेना भाई जान, इसके ऊपर कर लेना थोड़ा सा। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये है जी आपके भाई का प्ले बटन, जो कि बड़ी मेहनत के बाद मिलता है यूट्यूब पे, ऐसे नहीं भाई मिल जाता। और हमेशा की तरह प्ले बटन के साथ साथ आपको एक लेटर मिलता होता है, ये आप पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। खैर मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मुझे कह रहे हैं कि क्या आपको याद है आपका पहला सब्सक्राइबर, फिर आपका 100 सब्सक्राइबर, फिर आपका 1,000 सब्सक्राइबर। चांसेस आर यू डू एंड डेफिनेटली रिमेंबर योर, कह रहे हैं हमें पता है कि आपको याद होगा कि आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। योर फैंस मे हैव फाउंड यू व्हाइल सर्चिंग यूट्यूब लर्न अबाउट, कह रहे हैं जी आपके फैंस ने जो आपसे बहुत कुछ सीखा होगा ये वो। और वी नो दैट मेनी मोर स्टोरीज, कह रहे हैं जी हमारी विषय कि आप इसको और आगे लेके जाए। खैर ये बड़ा जो है ना हौसला अफजाई के लिए उन्होंने लेटर लिखा होता है, और जो यूट्यूब के CEO है उनके साइंस है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी, ये YouTube की तरफ से जो लेटर मिलता है ये वो है। थैंक यू YouTube CEO साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें इस काबिल समझा, बल्कि हमने खुद मेहनत की, हमने खुद स्ट्रगल की, उसके बाद ये दो चीज़ें हो रहा है इसमें। रिकॉग्नाइज YouTube शेयर रिकॉग्नाइज बाय अलाउइंग योर टीम टू परचेज, खैर यार ये भी YouTube की तरफ से कोई चीज़ है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। और ये भी YouTube की तरफ से एक कार्ड है, ये भी इस बॉक्स में से ही निकला है। और ये क्या है, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन, वी आर ऑनर्ड टू टेक पार्ट इन रिकॉग्नाइजिंग योर अचीवमेंट एंड वांट योर एक्सपीरियंस टू बी एक्सपेशनल, दिस अवार्ड वाज इंस्ट्रूमेंटल। खैर यार ये भी कुछ ना जो मेरी वो हौसला अफजाई के लिए ही है, लेकिन ये हो गया जी सारी चीज़ें। एक तरफ ये फॉर्म्स है ताकि ये टूटे ना, इसके ऊपर रखा हुआ था, इसको कर देते हैं हम लोग। हाँ ये एक और चीज़ है जी, ये मेरे ख्याल से प्ले बटन की सफाई के लिए है, ठीक है, इसके ऊपर सफाई के लिए वो चीज़ है आई थिंक, इसको कर देते हैं साइड पे। अब बारी आ जाती है इसकी, इसको हम थोड़ा सा मजीद भाई थोड़ा सा नज़दीक कर लेना, इसको हम थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं ओपन, तो ये चीज़ निकल आती है। ओए होए होए होए, अच्छा जी मैं आपको साथ साथ एक बात बता दूँ, जब आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, तो जब आप प्ले बटन अप्लाई करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आप यहाँ पे क्या लिखवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पहले आकिब लिखवाने लगा था, जो मेरा अपना नाम है, फिर मैंने बोला नहीं यार चैनल का नाम अली विर्क है, तो मैं यहाँ पे अली विर्क ही लिखवाता हूँ, तो मैंने यहाँ फिर अली विर्क ही लिखवाया था, फिर मैंने अप्लाई किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो मिलता है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के बाद,
तो मेरे अभी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 3,15,000। तो मैं अभी इसकी ओपनिंग क्यों कर रहा हूँ, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे मैंने इसकी ओपनिंग क्यों नहीं की, क्यों नहीं की 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे की, इसलिए नहीं भाईजान क्योंकि मैं टर्की में था जब मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने अपना पाकिस्तान का एड्रेस दिया था, अपने वाले साहब के नाम पर उनका नाम दिया था, अपने घर का पाकिस्तान का एड्रेस दिया था, तो ये पाकिस्तान आया था। तो जब ये पाकिस्तान में आया तो ये फिर तब का अब तक यहीं पर पड़ा हुआ था घर में। तो अभी मैं फिर पाकिस्तान में आया हूँ, मैंने बोला चलो यार अब जो है ना हम इसकी ओपनिंग कर ही देते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं। यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जो है ना इसको हम लेके जाएंगे अपने उस दोस्त के पास जिसने हमेशा मुझे गालियां दी हैं जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी। क्योंकि टर्की में हम एक रूम में रहते थे, तो मुझे हम जॉब करते थे, मुझे एक छुट्टी होती थी इतवार की शुरू शुरू में, और इतवार की छुट्टी वाले दिन मैं वीडियो बनाने चला जाता था। और मेरा वो दोस्त मुझे, सारे दोस्त ही कहते थे लेकिन वो ज्यादा कहता था, वो मुझे कहता था अली एक छुट्टी होती है यार इतवार की और तुम वीडियो बनाने चले जाते हो, हमें टाइम ही नहीं देते हो, तुम यूट्यूब पे कामयाब नहीं हो सकते, मुझे बताना जिस दिन तुमने यूट्यूब से 1 रुपया भी कमा लिया, या तुम कभी यूट्यूब पे सक्सेस हो ही नहीं सकते। तुम बड़ी ना, उसने मुझे बातें की, बड़ी गालियां देता था। अगले दिन इतवार होता था, वो हफ्ते वाले दिन ही मुझे कहने लग जाता था हाँ जी जी कैमरा तैयार है, जाओ जी बनाओ जी वीडियो, देखेंगे हम भी। तो ये प्ले बटन जो है ना हम उसके पास भी लेके चलते हैं, उसको भी दिखाते हैं, फिर एक हल्का सा लेक्चर मैं आपको दूंगा जो कि हल्की फुल्की मोटिवेशन होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले इस प्ले बटन को लेके चलते हैं फैसल के पास। चलें जी, चलिए अभी लेके चलते हैं अपने उस दोस्त के पास। ठीक है, सारे साथ पापा को भी दिखा देते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजी बेटा क्या हाल है? ठीक है। चेक करो पापा जी, ये क्या है? ये YouTube पे मिलता है जी, बड़ी मेहनत के बाद। अच्छा। ये YouTube ने मुझे गिफ्ट भेजे, आपके नाम पे मंगवाया हुआ था। ये वही है जो आज से 1-1.5 साल पहले का घर पड़ा हुआ था जिसके उनकी। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक, मुबारक मिल गई है जी। इसके बाद इंशाल्लाह एक गोल्डन प्ले बटन आएगा। वो क्या सोने का होगा? सोने का होता है। इनको क्या पता जी। ये मुझे कहते थे यार अली क्या तुम 2-2 लाख के कैमरे ले लेते हो, 1-1 लाख का ड्रोन ले लेते हो, कभी लैपटॉप लेते हो, कभी 1,00,000 वाले माइक लेते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। तो इसके लिए पापा जी मैं सारा कुछ करता था इस चीज के लिए। तो ये मुझे बताते, इधर बुलवा देता हूँ। ये होता है भाईजान वाले साहब का प्यार। कह रहे हो तो मुझे वैसे बता देते, मैं यहाँ से तुम्हें बनवा देता। ये वो चीज नहीं है ना, ये ओरिजिनल जो YouTube देते हैं ना उसकी और ही कोई बात होती है। चलो बेटा मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। अभी हम इसको लेके चलते हैं जी फैसल के पास, उसको दिखाते हैं, उसकी जरा जो है ना मैं कुत्ते वाली करता हूँ कि देख बेटा आज तेरे भाई के पास प्ले बटन आ गया। वैसे वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आपस में बड़ा मजाक करते हैं। ठीक है, अभी उसके पास लेके चलते हैं इसे। तो आ जाए जी। अभी है कि जनाब पहले पहले हम पीते हैं दूध का गिलास, ताज़ा ताज़ा फ्रेश। ये तुर्की वाला डब्बे वाला दूध नहीं, ये पाकिस्तान वाला मज कर ताज़ा दूध है। ये पीने के बाद हम चलते हैं फैसल के पास। अच्छा जी, ये हमारा प्ले बटन है। अभी हम उस दोस्त की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो है ना ये एक गाड़ी मुझे नज़र आई है जिसके पीछे मर्सिडीज़ का लोगो है। यार हैरानी वाली बात है, मर्सिडीज़ वालों की ये गाड़ी स्मार्टोइस का नाम है। ये लेनी चाहिए मुझे गाड़ी, क्या ख्याल है गाइस? दो बंदों वाली है, शूटर है, शूटर बड़ी प्यारी लग रही है। देखें ये ले जी, आ गए हम अपने दोस्त के शोरूम पे। ये मेरा फैसल दोस्त है, ये इनका अपना शोरूम है किलानी फर्नीचर हाउस। ये सारा जो है ना इनका, ये पूरी ये इन्हीं की है। और ये मेरा प्ले बटन पड़ा हुआ है, इस बंदे ने मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ दी थी। इधर वो बात सुनो, इसको जो है ना वो सरप्राइज़ देते हैं। ये मुझे बड़ा कहता था तुम यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसको कहते हैं ज़रा प्ले बटन ओपन करें। वालेकुम सलाम। सियाने हो भाई आप ही, पढ़ो नहीं भाई, ओपन करो, पढ़ के मैं बता देता हूँ क्या है इसमें। दूसरी तरह उल्टा खोल रहे हो भाई। डिनर सेट जी? नहीं डिनर सेट नहीं है, बेड शीट भी नहीं है। और पासिंग जी सर, आप वो बंदे मुझे कहते होते थे तुम YouTube पे कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल भाई, उस वक्त हमें गुस्सा आता था लेकिन अब खुशी होती है। अच्छा, तो कैसा लगा सरप्राइज? माशाल्लाह बहुत प्यारा। तो वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, बी सक्सेसफुल। बी सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल, कीप इट अप।
keep it up up ये है जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसल भाई, जो कि पहले भी इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं इनका, इनको स्पेशल दिखाना। क्या फीलिंग्स हैं भाई फिर आखिर हमें बताएं ना, अब ये प्ले बटन खुश है यार। मुझे पहले भी आपने एक दफा बोला था कि शायद वो ना प्ले बटन आएगा। हाँ प्ले बटन आएगा, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, खुशी हुई है। अब क्या पैगाम दोगे ऑडियंस को, किसी को डीमोटिवेट करना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए जी, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तू बेटा उन मनेगा। लें जी अभी हम लोग आ गए अपने ग्राउंड में जहाँ पे हम लोग खेला करते थे। यहाँ पे मैंने बोला जो है ना इजीली आपको मैं लेक्चर दे दूंगा। बताना यार आपको यही है मैंने कि आप खुद भी समझदार हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे ना तो मैं यही कहूँगा मेरी नज़र में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब ना मेरे पास कैमरे थे, कुछ भी नहीं था, दोस्तों ने भी बड़ी गालियाँ दी मुझे, बड़े बुरे कमेंट्स भी आते थे, सब मुझे ये कहते थे कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, तुम ना करो। कुछ मेरे दोस्त भी ये जो वीडियो बना रहे जिसके साथ अभी आपका इंट्रोडक्शन करवाया, सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे ये देता था कि तुम यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हालांकि मेरे साथ रहते थे, एक ही रूम में हम रहते थे, एक ही घर में रहते थे, इकट्ठा खाना पीना था, लेकिन मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। जब मुझे पता था मैं कर सकता हूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। आज मेरे 3,15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, कल को इंशाल्लाह 1 मिलियन भी होंगे, और होंगे मैं कर सकता हूँ। मैं खुद ज़रा अब यूट्यूब से थोड़ा सा साइड पे हो गया हूँ क्योंकि मैं अब थोड़ी सी बिजनेस लाइन में आ गया, मैं थोड़ा सा बिजनेस करना चाहता हूँ। यूट्यूब मेरा पैशन है, ये भी मेरे साथ साथ चलता रहेगा। और एक जो मेरी विश होती थी सिल्वर प्ले बटन की, मुझे बड़ा शौक होता था। एक वक्त मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स को देखा करता था कि यार ये आज सिल्वर प्ले बटन ओपन कर रहे हैं, ये आज गोल्डन प्ले बटन ओपन कर रहे हैं, तो मेरी भी विश होती थी कि यार मैं भी करूँ ना, कभी मेरा भी चैनल हो, मेरे भी यूँ हो, वो मुझे भी ऑनलाइन अर्निंग हो, मेरे पास भी जो है ना इस तरह के बटन शटन हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी वो देख के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ये सब चीज़ें अचीव कर सकूँ क्योंकि मैंने तभी ये इरादा किया था। मुझे बड़े गलत कमेंट्स भी आए, बड़ी मेरे पे बुरा वक्त भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है, जो आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे प्यार दिया, हमेशा मुझे मोटिवेट रखा, हमेशा मेरे लिए दुआएं की, मेरे पे बड़ा बड़ा टाइम आया। आप सबको पता है यूट्यूब पे टर्की में भी बड़े मामला ख़राब रहे, हल्की फुल्की लड़ाइयाँ भी, तो मैं हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, आपने मेरा साथ दिया, और मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे वालदैन ने बड़ा सपोर्ट किया, सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हर एक सिंगल पर्सन का शुक्रिया जिसने कभी भी ज़िंदगी में मुझे कहीं भी सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी। मैं बहुत खुश हूँ यार आज, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिखने में तो ये एक छोटा सा प्ले बटन है, लेकिन इसको हासिल करने में जितना टाइम लगता है आपको नहीं पता। आपको जितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, 1,00,000 का माइलस्टोन आपको अचीव करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये प्ले बटन मिलता है, और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच भाई आपका भी, आपने भी एक वक्त में मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो खैर चलता रहता है, इनको नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, मेरे घर वालों को नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, मेरे किसी क्योंकि इनके ये लाइन नहीं थी, इनकी इनका काम होता था वहाँ पे अपना काम शाम करना, आके सो जाना, खाना पीना। मैं अपना काम शाम करने के बाद मैं अपने यूट्यूब को टाइम देता था, ठीक है। मैंने अगर अपना काम कर लिया, मैं रात को 12 बजे भी आया हूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर डालता था, एडिटिंग करता था, फिर मैंने कैमरा लिया, लैपटॉप लिया, आहिस्ता आहिस्ता आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15 से 20 लाख की ये सारी इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने यूट्यूब से ही बनाई हैं। तो आप भी अगर YouTube स्टार्ट करना चाहें तो यार आप भी करें, कभी भी ये ना सोचें कि हाँ जी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरी तरफ़ देखें, मैं हुआ ना सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है यार मैं हुआ। बेशक अब मुझे व्यूज़ नहीं आते, ये मेरी अपनी गलती है क्योंकि मैं YouTube स्किप कर चुका हूँ, मैं YouTube को छोड़ चुका था बीच में, और अब जो है मैं दोबारा YouTube पे वापस आया हूँ। तो आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो, इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अपना कंटेंट रखें, उस पर आप मेहनत करें, और सक्सेस तो आपके कदमों में होगी जब आप मेहनत करेंगे। तो थैंक यू सो मच जी वंस अगेन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, उम्मीद है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे। खुद को मजबूत करें यार, यू कैन डू, आप कर सकते हो, ठीक है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहते हैं कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। सो कीप इट अप, थैंक यू सो मच, स्ट्रगल करें, आगे बढ़ें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अभी हमने और थोड़ा सा आगे जाना है। अब मैं इंशाल्लाह दोबारा YouTube पे वापस आऊँगा, रेगुलरली व्लॉग वगैरह डालूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। इसी तरह 1 मिलियन पे जाना है और गोल्डन प्ले बटन की ओपनिंग करेंगे इसके साथ ही दोबारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।